में प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में टाटा पावर शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके Q3 के नंबर्स जो है वो डिक्लियर होते हुए दिखे हैं। तो हमने कहा था कि 1000 करोड़ टू 1200 करोड़ के आसपास के नंबर्स आएंगे और यहाँ 1076 करोड़ के नंबर्स आए। CNBC टीवी पोल ने 991 करोड़ का एक्सपेक्ट करा था और 850 करोड़ के एक्सपेक्टेशन जी बिजनेस के थे, और हमने कहा कि 1000 के ऊपर का जो है नंबर्स आ सकता है और 12 to 14 करोड़ के रेवेन्यू। यहाँ देखेंगे रेवेन्यू में जो CNBC टीवी पोल थे उसके नीचे तो आया, लेकिन जो जी बिजनेस के एक्सपेक्टेशन थे उसको रेवेन्यू थोड़ा वीक रहा। मुझे 17,000 करोड़ के आसपास के एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन रेवेन्यू थोड़े वीक रहे, प्रॉफिट उसके बाद भी बेटर रहा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो वो लगभग अच्छा खासा बढ़ा है, और यहाँ अगर मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी 180 बेसिस पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड रहे, लेकिन इबिटा में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। ये तो एस्टिमेटेड के नंबर्स हैं, लेकिन जो मार्जिन रहा वो थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे तो जो रेवेन्यू रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 4% बढ़ते दिखे, प्रॉफिट लगभग 2.3% बढ़ता दिखा, और यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि इबिटा में भी ग्रोथ दिखे और जो मार्जिन रहा वो फ्लैट रहा, जबकि मार्जिन 17% के आसपास के एक्सपेक्टेशन थे। ओवरऑल जो रिजल्ट रहे वो अबव द एक्सपेक्टेशन रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी रही, लेकिन रेवेन्यू का थोड़ा वीक रहा, तो इसका एक मिक्स इंपैक्ट आपको ट्रेंड पे दिख सकता है। यहाँ देखेंगे इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकडाउन दिखा, और ये रिजल्ट से पहले, तो चूंकि रेवेन्यू वीक रहा तो हो सकता है कि 340 to 360 जैसा ट्रेंड आपको देखने को मिले और उसके बाद ये कंटिन्यू या फिर ब्रेकडाउन करे। तो मंडे की क्लोजिंग काफी इंपोर्टेंट है स्टॉक के बड़े ट्रेंड के लिए, और मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग रेवेन्यू के डिक्लाइन के कारण आपको दिख सकता है।